बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका भाई नवीद हकीम। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे के साथ हाज़िर हूँ। आज आपको बताएंगे कि कुचला जो है या अजराकी, ये इसको मुदब्बर करने का तरीका क्या है और इसको आप इसको कैसे आसानी के साथ मुदब्बर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त नुस्खा है। पट्ठों की कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, हर लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी अफादियत है। इसको मुदब्बर करने के बाद या इसको साफ़ करने के बाद इसको फिर आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ जो अद्वियात होती हैं उनके साथ, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसको आप इस तरीके से छीलना पड़ता है। छीलने के बाद इसको फिर इसके अंदर एक पित्ता टाइप होता है वो निकाल देते हैं। इसको मैंने पहले तकरीबन 20 से 25 दिन एलोवेरा या कंवार गंजल जिसे कहते हैं उसके पल्प जो होती है उसका जो गुद्दा होता है उसको जो है ना हमने उसमें भिगोया था। उसके बाद अभी ये निकालना है इसको, तो अभी इसको हम साफ़ कर रहे हैं। ये मैं आप देखें, इसके आपके सामने मैंने इसमें से एक पित्ता निकाला है और इसको दो टुकड़े करने के बाद और इसकी सफाई कर रहा हूँ। जो इसके कॉर्नर हैं जहाँ पर वो पित्ता लगा हुआ था उसको भी साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में चावल नुमा काट लिया है। ये इसी को साथ साथ काटना है ताकि ये खुश्क ना हो जाएं। अब ये चावल नुमा जो टुकड़े काट लिए हैं मैंने, ये देखें आप, अब इनको मैं अदरक के पानी में भिगोऊंगा। अदरक का पानी जो है वो आप जूसर मशीन की मदद से भी अदरक का पानी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने पानी निकाल लिया है, तो अभी आप देखें इसको मैं जार में डालने लगा हूँ। जार में डालने के बाद इतना पानी डाल लें जिसमें वो डिप हो जाएं। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, अभी कुचला इसमें डाल के देखते हैं कि वो कैसे काम करता है, कितना इसमें और डालना पड़ेगा। इसको मैंने पहले एलोवेरा के पल्प जो होती है उसमें 20 से 25 दिन इसको भिगोया था साबुत को लेने के बाद, तो वो 20 से 25 दिन उसमें 10 दिन बाद मैंने तकरीबन उसका पानी फिर चेंज किया एलोवेरा की पल्प। तो उसके बाद 20 से 25 दिन बाद उसको फिर निकाला, फिर उसके बाद मैंने इसको आपके सामने इसकी सफाई की है, इसमें से वो पित्ता निकाला है, फिर इसको काटा है। अब इसको मैं अदरक के पानी में तकरीबन 15 से 20 दिन इसको भिगोए रखना है, तो जितना पानी खुश्क हो जाए वो अच्छा है। अब ये तकरीबन इसमें मैंने डाल दिया सारा। अब इसको 15 से 20 दिन आप कम से कम इसको भीगा रहने दें। बस रोज़ एक बार जार को हल्का सा हिला दिया ताकि वो इसमें मिक्स होता रहे। ये पट्ठों की कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत ही अक्सर किस्म का नुस्खा है। बनाना इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसके बाद में जो पिसाई है वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये गीला गीला ही कूटा जाता है और अगर खुश्क हो जाए तो फिर उसको जो है ना उसको कूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बारीक बड़ी मुश्किल से होता है, इसलिए इसको गीले गीले को जितना भी आप कूट लें, बारीक कर लें और फिर इसको बाद में खुश्क कर लें। ये बस इतना काफ़ी है। अदरक का पानी इतना मैंने डाल दिया है। अब इसको हम ढक्कन लगा के बंद करके रख देंगे। इंशाल्लाह ये 20 से 15 25 दिन जो है इसको हम रखेंगे, उसके बाद फिर इसको निकाल के इसका सफूफ बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से मैंने उसमें जो है ना अदरक के पानी में डिप कर दिया। अब इसका ढक्कन बंद कर दें। इस जार को आप महफूज किसी ऐसी जगह पे रख लें जहाँ पे बच्चे जो है ना बार बार इसको ना छेड़ें। ये देखें इसमें पानी
आपको नज़र आ रहा होगा अदरक का। यह तकरीबन एक पाव कुचला था जो जो सफाई किया मैंने। अब इसको 20 से 25 दिन हो गए हैं, अब इसको हम निकाल दें। अभी अदरक का पानी इसमें काफ़ी है, मतलब खुश्क नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले एलोवेरा के पानी में भी डिप हुआ था, उससे निकाल के फिर हमने इसमें वो जितना इसने जज़ब करना था वो कर लिया। बाकी अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद इसकी हम अच्छे तरीके से पिसाई करेंगे हावन दस्ते की मदद से, इसको अच्छे तरीके से बारीक करके फिर इसको खुश करें। ये प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि इसमें से साथ साथ जो है ना गीला रह भी रहे, और साथ साथ हम निकाल के इसके पिसाई करते रहेंगे ताकि ये खुश्क होने पर सख्त ना हो जाए ज़्यादा। जैसे ये थोड़ी देर तक पड़ा रहता है तो ये ज़्यादा खुश्क होना शुरू हो जाता है और सख्त तरीन हो जाता है, और इसको फिर कूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी दो दो चार चार दाने लेकर इसके जो चावल हैं उसको आप आहिस्ता आहिस्ता पीसते रहें, और साथ उसका पाउडर अलग-अलग निकालते रहें प्लेट में। ये जितना बारीक होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर बाद में ये बारीक बहुत मुश्किल से होते हैं, इसको फिर लोहे के जो है वो हावन दस्ते में करना पड़ता है, इसलिए अभी आप पत्थर के इसमें कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से आप इसको लेके दो दो तीन तीन दाने डालते जाएं और साथ साथ बारीक करते जाएं, और बारीक करने के बाद अच्छे से बारीक करने के बाद इसको निकाल लें, प्लेट में निकाल लें और इसको फिर खुश करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन वो मुकम्मल डिटेल बताने के लिए तो फिर थोड़ा सा जो है वीडियो को लंबा करना पड़ेगा। इसके ऊपर से वो जो सफाई करने के बाद जो पित्ता है वो लाजमी निकाल लें। पित्ता अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो जहर है, और वही जहर इसमें से निकालनी है, उसके बाद फिर जो है ना इसकी सफाई होनी। अगर आप पित्ता नहीं निकालेंगे जो इसके अंदर है तो ये फिर ख़तरनाक जहर है, और इससे मौत वाक़ हो जाती है। और इसको खाने के लिए भी आप इसकी खुराक बिल्कुल हल्की एक से दो रहती है, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाफ़रान के साथ इसका इस्तेमाल होता है, और चार पांच चीज़ें और मिलाकर आप उसका एक अच्छा जो है ना नुस्खा तैयार कर सकते हैं। इसकी गोलियां बना लें, और एक गोली आप रात को दूध के साथ इस्तेमाल करें तो बेपनाह ताकत के लिए, मर्दाना ताकत के लिए बेबहा इस्तेमाल की जाती हैं। और पट्ठों के दर्द, पट्ठों की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए अक्सर है, बहुत ही आला दर्जे का नुस्खा बनता है। आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत अच्छे और ज़बरदस्त नतायज जो है ना हासिल होंगे। ये मर्दों औरतों के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि पट्टों के लिए ख़ास है, तो मुख्तलिफ़ दवाइयों के साथ इसमें जड़ी बूटियों के साथ इसको इस्तेमाल करके आप उसका ये देखें जी सफ़ूफ बन गया है। इस तरीके से आप बारीक बारीक इसको कर लें। ये बारीक करने के बाद अब ये चीज़ मेरे पास हासिल होगी है, तकरीबन एक प्लेट एक पाव में से ये इतना जो है ना हमने साफ जो अच्छा निकला है हमारे पास। और ये देख लें आप, मैंने बारीक कर लिया है अच्छे तरीके से। इसको आप मैं धूप में, पहले इसको साये में थोड़ा सा खुश कर लेंगे, फिर इसको बाद में धूप में खुश कर लेंगे। और इसका पाउडर जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं दवाइयों में। इसकी गोलियां बनाई जाती हैं, सफ़ूफ़ भी बनाया जाता है, जैसे आप जो है मुनासिब समझें इसको इस्तेमाल करें। ये अब जो है कुचला जो है ना मुदब्बर हो गया साफ, इसको ये इस्तेमाल करने के काबिल है। बहुत शुक्रिया आपके देखने का, तआवुन का। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।